हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, एलजी पहले से ही अपने इनोवेशन को लेकर हमेशा चर्चा में रही है और इस बार भी ये कुछ नया करने वाली है। 2014 में एलजी अपने मॉड्यूलर टाइप एलजी कैम प्लस और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जैसे फीचर्स को लॉन्च करके यूएस मार्केट में टॉप 3 की लिस्ट में आ गई थी। लेकिन फिर धीरे धीरे इसके मार्केट शेयर गिरने लगे क्योंकि ये सही टाइम पर अपने फ़ोन को लॉन्च नहीं करती थी और इसके प्राइस भी अदर मैन्युफैक्चरर से ज़्यादा होती थी। वहीं इसके सॉफ्टवेयर अपडेट्स में भी काफ़ी दिक्कत आती है जिसकी वजह से यह कंपटीशन में पीछे रह जाती है। लेकिन इस बार कंपनी कुछ नया करने जा रही है। हाल ही में एलजी अपने थैंक यू सीरीज को ख़त्म करके इसकी जगह पे एक नई वेलवेट सीरीज को लॉन्च करने जा रही है और इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कंपनी ने कर दी है। इसमें एलजी का एआई फीचर इतना पावरफुल होगा जिसकी मदद से लोग अपने टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और एसी को भी कंट्रोल कर पाएंगे। इस बार एलजी वेलवेट सीरीज की डिज़ाइन इसके प्रीवियस फ़ोन से काफ़ी अलग होगी। इसकी डिज़ाइन के स्केच लीक हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इसका डिज़ाइन एलजी के प्रीवियस स्मार्टफोन से काफ़ी अलग है। इस बार इसमें रेन ड्रॉप कैमरा डिज़ाइन दिया गया है जो कि बड़ा से छोटा होता जा रहा है और सबसे नीचे में एलईडी फ्लैश को रखा गया है जो कि आजकल बड़े बड़े कैमरा सेटअप के कंपेरिजन में अच्छा दिखता है। वेलवेट सीरीज में इस बार आगे और पीछे दोनों तरफ कर्व ग्लास के साथ 3D आर्क डिज़ाइन भी दिया जाएगा। इस बार वेलवेट सीरीज बजट फ्रेंडली भी होगा क्योंकि एलजी को ये अभी तक पता चल चुका है कि स्पेक्स के मामले में ये सैमसंग और हुआवे को पीछे नहीं कर सकता और हाई प्राइस पॉइंट पे लोग शायद ही एलजी डिवाइस को लेना पसंद करेंगे। इसलिए इस बार एलजी ने लो बजट के हिसाब से इसमें स्नैपड्रैगन 765G का चिपसेट रखा है जो कि एक अपर मिड रेंज लेवल का चिपसेट है जिसमें कि इंटीग्रेटेड 5G का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। अदर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बार इसमें 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होगा। इसमें 6.7 इंचेस की क्वाड एचडी प्लस ओलेड स्क्रीन होगी जिसमें कि एक छोटा सा पंच होल कैमरा दिया जाएगा। इस बार इसमें 4000 mAh की बैटरी होगी जो कि फास्ट चार्जिंग के साथ साथ वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगा। वही इसमें IP68 सर्टिफिकेशन भी आएगा और तो और इसमें आपको डुअल स्क्रीन एक्सेसरीज का सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है। अब इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इसकी प्राइस लगभग 50,000 के आसपास होगी और कोरियन मीडिया के अनुसार इसकी लॉन्च डेट 15 मई को रखी गई है। अब देखना यह है कि ये फ़ोन मार्केट में अपनी पहचान बना पाता है क्या ही नहीं। आपको इस मैटर में क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।